हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मेघना और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर मेघना। और मैं आपके साथ अपनी कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस को शेयर कर रही हूं। और अगर आपको आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं चावल वाली खीर कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं खीर को। फ्रेंड्स, खीर बनाने के लिए ये 1 लीटर दूध है और 1 कटोरी ये चावल हमने 1 घंटे सोक कर लिया है। और वही 1 कटोरी ये शक्कर है और ये 15 से 20 बादाम है जो मैंने पूरे क्रैक सोक किए हैं। और ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर है और ये 1 पिंच ऑफ हल्दी है। फ्रेंड्स, मैंने ये दूध जड़ा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब दूध में उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी। मैंने इसमें भी चावल डाल दिया है। चावल को इसमें पकने देंगे। इसको चावल को अच्छे से पकने देंगे और प्लीज़ चमचे को इसी में पड़ा रहने देंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारी खीर निकल के बाहर ना आए। चावल पक जाता है तब हम आपको आगे कुछ डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब ये चावल इसमें पक चुका है। अब हम इसमें ये इलायची डाल देंगे। ये इलायची लेके हम ये भी इसमें डाल देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये थोड़ा सा हल्दी है, बहुत ज़रा सा, ये भी डाल देंगे तो इससे सोंधापन आता है, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। आप भी ज़रूर डाल के ऐसे बना के देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर कितने अच्छे से हो गई है, अब थोड़ा गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसमें ये शक्कर है 1 कटोरी, ये डाल देंगे। फ्रेंड्स, हल्दी से इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका, आप हल्दी डाल के ज़रूर बनाइएगा। बहुत हल्की सी डालते हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़ा सा काट के रखे थे, इनको मैं आधा डाल दूँगी और आधा मैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए रखूँगी। मैंने इनको लंबा लंबा काटा है बादाम को। आप तो फ्रेंड्स, हमारी ये खीर बनके तैयार है। अब इनको हम अब ये बादाम से सर्व कर देंगे। और आप इसको गरम गरम खाना चाहते हैं तो गरम गरम इंजॉय कीजिए। और यदि आप इसको ठंडा करके फ्रिज में रख ठंडा ठंडा खाना चाहते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं। ठंडा करके ये ज़्यादा अच्छी लगती है। सो प्लीज़ एंजॉय।